दोस्तों जब आप फ्लिपकार्ट पर पे लेटर के लिए एप्लीकेशन कर रहे तब आपका सामने एरर आ रही है नो एलिजिबल फॉर फ्लिपकार्ट पे लेटर। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो वो मैंने इस वीडियो में बताऊंगा। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते, और अगर आप चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन इसके ऑन कर दो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और कमेंट में अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछो, मैं उसके आंसर आपको जरूर रिप्लाई करके दूंगा। थैंक यू। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको प्ले स्टोर से 3x VPN को आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। तो फिर आपको थोड़ा चेकिंग होगा, और फिर आपको यहाँ पे टैप टू कनेक्ट पर आपको क्लिक करना है, और टैप टू कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ओके करना है, और ओके करने के बाद थोड़ा चेकिंग होगा, और चेकिंग होने के बाद आप यहाँ पे कनेक्टिंग, तो आपको एक कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपको आपका फ़ोन में आपको होम स्क्रीन पर आपको आना है, और आपको होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको सेटिंग्स पर आपको जाना है, और सेटिंग्स पर आपको जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आने पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर आपको जाना है। उसके बाद आपको सिम को सिलेक्ट करना है, और सिम को सिलेक्ट करने के बाद आपको वोल्ट को आपको ऑफ करना है, फिर से ऑन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस नेटवर्क टाइप पर जाना है, आपको यहाँ पे LTE को सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम पर जाना है, और एक्सेस पॉइंट नेम पर जाने के बाद आपको यहाँ पे रिसेट पर क्लिक करके आपको APN को रिसेट करना है। फिर आपको यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद आपका फ़ोन में आपको कनेक्टिंग एंड शेयरिंग पर आपको जाना है। फिर आपको एयरप्लेन मोड को ऑन करना है, फिर से एयरप्लेन मोड को आपको ऑफ करना है, और ये प्रोसेस करने के बाद आपका फ़ोन में आपको होम स्क्रीन पर आपको आना है। फिर आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में आपको जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको आपका प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटिंग आएगा, तो आपको सेटिंग पर आपको जाना है, और सेटिंग पर जाने के बाद आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस पे जाना है, फिर ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस पे जाना है। उसके बाद आक्सनी एवरी टाइम इसको सेलेक्ट करके ओके करना है, और ये प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो अपडेट ऐप्स पर जाना है, और ऑटो अपडेट ऐप्स पर जाने के बाद डू नोट ऑटो अपडेट ऐप्स इसको सिलेक्ट करके रखना है। फिर आपको ऑटो प्ले वीडियो पर जाना है, फिर आपको डू नोट ऑटो प्ले वीडियो सिलेक्ट करके इसको ओके करना है, और ये प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है, और आपको फ़ोन में आपको एप्पल फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को लॉन्ग टाइम प्रेस करना है, और लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद आपको ऐप इन्फो पर आपको जाना है, और ऐप इन्फो पर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर डाटा पर क्लिक करके आपको क्लियर कैच करना है, फिर ओके करना है, फिर आपको क्लियर ऑल डाटा पर जाना है, फिर डिलीट ऑल डाटा को ओके करना है। उसके बाद आपको ऐप परमिशन में आपको जाना है, और ऐप परमिशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन का आपको अलाउ करना है। तो अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और पास में जो बेल आइकन है इसको ऑन कर दो, और अगर कोई डाउट है और कोई जानकारी है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। तो सारे ऑप्शन का कोई से परमिशन अलाउ करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, फिर आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेस पर जाना है, और आपको दोनों ऑप्शन को ऑन करके रखना है, और ये प्रोसेस करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।